मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर पीपलसाना रेलवे स्टेशन के पास बसी कॉलोनी में लगा गंदगी का अंबार, क्षेत्रीय लोग हुए परेशान। कई बार नगर पालिका में गंदगी के बारे में दे चुके हैं शिकायती पत्र, लेकिन गंदगी का नहीं हुआ कोई समाधान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर पीपलसाना रेलवे स्टेशन के पास बनी कॉलोनी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय निवासी पठान अब्बासी ने बताया कि यहां साफ सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं आता, जिसके चलते यहां के रहने वाले लोग सड़कों पर ही कूड़े का ढेर लगा देते हैं, जिसके चलते बीमारियों का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि पहले यहां के लोग कूड़ा रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर खाली जगह में डाल देते थे, लेकिन रेलवे स्टेशन की जगह होने के चलते उन्होंने आपत्ति जताई, जिसके बाद सड़कों पर कूड़ा पड़ना शुरू हो गया। पठान अब्बासी स्थानीय निवासी ने कहा कि हमने नगर पालिका में जाकर भी कई बार लिखित में शिकायत की है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार साफ सफाई अभियान चला रही है ताकि संचारी रोग और मलेरिया जैसी घातक बीमारी ना पनप सके, लेकिन वहीं नगर पंचायत भोजपुर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते गंदगी पलस रही है। ये मैंने कई दफा अपनी तरफ से समाज सुधार ट्रस्ट की तरफ से मट्टी भी पड़वाई इस पर, फिर भी लोग मानते नहीं। कहता हूँ तो ये कहते हैं कि हम तो डालेंगे, मानेंगे नहीं, हम कुछ भी कर लो क्या है तुम। स्टेशन मास्टर ने भी कई बार इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसका भी कोई वो नहीं कर पाए। अब देख लो, दरवाज़ा ये है सामने, दुकान ये है, और लेटरिन भी करवाई है वहाँ, लेटरिन कहीं भी कर देते हैं ये। इनसे ये डरते ही नहीं किसी से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से सफाई हो, इसकी जगह कहीं और डाला जाए कचरा, या ये वो जो है ये निगम उठाए यहाँ का। अभी इसकी नगर पंचायत में शिकायत, हाँ, स्टेशन मास्टर साहब ने करी थी। सुनवाई हुई कि वो कभी हफ्ते में एक 15 दिन में एक दफ़ा आते हैं बस सफाई करने, और वो भी धमकी देकर जा रहे थे। एक दफ़ा कह रहे थे कि मैं, कह भाई जय साहब को बुलाऊँ, मैं कह रही वीडियो बनाऊँगी है मेरे पास। हफ्ते में एक दफ़ा आउट एरिया बताते हैं वो, इधर को आने से ये कहते हैं आउट एरिया आए, यहाँ लोग नहीं रहते। तो वहीं पीपलसाना रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनी वाले रेलवे परिसर में कूड़ा डाल देते थे, जिसका हमने विरोध किया तो लोगों ने कूड़ा डालना बंद कर दिया, लेकिन अब ये कूड़ा आने जाने वाले रास्ते पर ही लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता, जिसके चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैंने कई बार लिखित में नगर पालिका को कंप्लेंट भी की है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी गंभीरता नहीं दिखाते, जिसके चलते क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे परेशानी है कि पीछे कॉलोनी वाले जो हैं ये रेलवे परिसर में कूड़ा ढेर लगा देते हैं, ठीक है। इनको बार बार समझाने पर भी लोग नहीं मानते हैं। इसकी शिकायत हमने नगर पालिका से भी की है, लेकिन अभी भी फिर भी कूड़ा जो है गिराते रहते हैं, जिससे गंदगी पूरे चारों तरफ वो फैलती रहती है। ये है शिकायत। नगर पंचायत से कभी शिकायत? हाँ, नगर पंचायत से हमने पहले शिकायत की थी एक बार, उन्होंने वो भेजा था, क्या बोलते, जो साफ करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा साफ किया, लेकिन ये कॉलोनी वाले मानते नहीं है, फिर भी लगातार फेंके जा रहे हैं। कोई आपने लिखित में दी है? हाँ, लिखित में उनको दिया था हमने, नगर पालिका को। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इधर कूड़ा की इस ढंग से रेल परिसर में न गिरे, कहीं भी न गिरे, लेकिन कम से कम रेल परिसर में तो नहीं गिरे, ठीक है। इनकी कार्रवाई की जाए इन पे, ठीक है, जो लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। हाँ, वही तो, सफाई अभियान चल रहा है लगातार, इनको या तो समझाया जाए या तो नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था किया जाए, जैसे कूड़ा इकट्ठा ना हो सके।